अच्छा आप देखिए आज है सर, यकम अप्रैल जी सर <coughs> हमारे कासम अली शाह फाउंडेशन की सातवीं सालगिरह मनाई जा रही है अच्छा कासम अली शाह कमाल शख्सियत एक सूफी बुजुर्ग है समझे जैसे पिछले जमाने में हमारे ओलिया की खान कहें होती थी वहाँ लोग तरबियत पाते थे वहाँ तालीम हासिल करते थे उलझने लेके आते थे उन्हें रफा करते थे उस तरह उनकी खानकाह है एक उन्होंने अपना बड़ा मरकज बनाया है बिल्कुल और इकबाल टाउन में जी हां और उस मरकज में बच्चे जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है उनके सेमिनार्स कराए जा रहे हैं इन मुकाबले के इम्तिहानات के लिए तैयार किया जा रहा है उनको स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं उनकी तामीलत सीरत की जा रही है उनको फिक्री रहनुमाई दी जा रही है कमाल कमाल और लाखों लोग مستفید ہو چکے ہیں ان سے और सैकड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप फराहम करते हैं और जो आपस में मियाँ बीवी लड़ जाते हैं लड़ पड़ते हैं उनकी सुलह कराते हैं अच्छा, लोग उनसे रिजू करते हैं अच्छा तो ऐसे मालूम होता है कि जो हमारे पुराने सूफी बुजुर्ग थे तो का, कासम अली शाह उनकी रवायत को जिंदा रखे हुए हैं इस मुआरे को जोड़ने में लगे हुए हैं इसकी उलझने दूर करने में एक जमाने में शफफाक अहमद खान साहब के पास हम जाते थे अच्छा वासिफ वासिफ अली साहब के पास जाते थे वो उलझने होती थी उनसे रफा करते थे वो हमारी फिक्री गिर खोलते थे रहनमाई करते थे उम्मीद देते थे हौसला देते थे आगे बढ़ाते थे अब ये कासम अली शाहजी काम कर रहे हैं अल्लाह इनको सलामत रखे फाउंडेशन को सलामत रखे और वो इसी तरह फलते फूलते रहे और पाकिस्तान की खिदमत करते रहे लोगों का हाथ पकड़ते रहे और और लड़ने वालों को और भिड़ने वालों को सुलह सुला कमाल मतलब वो जो वेलकम करते हैं जो इज्जत देते हैं दिल खुश हो जाता है वाकई क्या अल्फाज के मोती पर होते हैं कमाल आपकी, है। आपकी आपका सोच का अंदाज बदल देते हैं बिल्कुल यही तो कमाल है सूफिया का यही कमाल था वो आपको ऊंचा उठा देते थे आपको गुरबत से बेन्यास कर देते थे फकर से और फकर, ने कहा है ना, जहां में जोहर अगर कोई आशकार हुआ, हुआ है, है? है खुद समझता है जवाल बंदा का बेजरी से नहीं अब बेजरी से फकीरी से आदमी हलाक नहीं होता अमीरी जो है उससे? उसकी जो हवस है मार से मारा जाता है कनात में कनात हाँ। आ जाए तो बादशाह हैं आप फकीरी में अमीरी करते हैं और वही दर्श देते हैं वो और लोगों के हाथ पकड़ते हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे उनकी फाउंडेशन को फलता फूलता रखे और दूसरे लोगों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक तोफीक हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब ना वो भी एक सूफी बुजुर्ग में समझता हूँ अच्छा हमारे अखलाकुर रहमान साहब हैं हेल्पलाइन के वो भी एक सूफी बुजुर्ग है अल खिदमत वाले हैं वो भी यही काम कर रहे हैं फिक्री लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी तरबियत कर रहे हैं उनको तालीम दे रहे हैं यतीमों के सर पे हाथ हाँ रख हाँ रहे हैं ठीक है और देखिए और इस और मुआषा जो है उसमें ठहराव पैदा कर रहे हैं एतमाद और यकीन के साथ आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है आमीन सर